हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट से डिस्कशन करना चाहता हूँ आप लोगों से कि ज्योमेट्री स्पेशली आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग डेवलप करने में सबसे ज़्यादा ज्योमेट्री का कंट्रीब्यूशन होता है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम फॉर क्लास 10th, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। सिमिलर ट्राइंगल के जो अदर कॉन्सेप्ट्स थे कि इफ़ टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो सिमिलरली इन द केस ऑफ ट्राइंगल ऑल्सो वी कैन डिस्कस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शनल। सो नाउ लेट मी स्टार्ट विद द थ्योरम BPT और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। ओके, सो मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि थ्योरम का स्टेटमेंट बहुत कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि CBSE एग्जामिनेशन में कभी कभी ये पूछ लेते हैं स्टेट एंड प्रूव दैट। तो उस स्टेट का मीनिंग ये होता है, फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ थेल्स थ्योरम, देन प्रूव दैट। प्रूव दैट के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप्स आ जाते हैं, गिवन टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन प्रूफ एटसेट्रा। सो नाउ लेट मी स्टार्ट विद द स्टेटमेंट ऑफ BPT और थेल्स थ्योरम। वेरी कॉमन स्टेटमेंट, सो मैनी टाइम्स वी रेड आउट। ये NCERT में थ्योरम 6.1 होगी और आपको इसे 6.1 की तरह नहीं दिमाग में रखना है, इसको रखना है BPT या थेल्स थ्योरम की तरह। ओके, सो स्टेटमेंट इज इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। देखिए स्टेटमेंट में जो भी वर्ड्स आपके नॉलेज के अंदर आते चले जा रहे हैं, आप उनको जरा ध्यान दीजिएगा। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, लाइन है तो पैरेलल होनी चाहिए, वेयर टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की साइड से, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, ट्राइंगल की अदर टू साइड्स को जो ये लाइन आपने ड्रॉ की है वो इंटरसेक्ट करनी चाहिए, इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट होनी चाहिए, कॉमा, व्हेन कॉमा इज देयर, तो बिफोर कॉमा इट मीन्स एवरीथिंग इज गिवन, आफ्टर कॉमा द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ओके, आफ्टर कॉमा इट मीन्स देयर इज टू प्रूव। तो ये कैसे होगा जरा ध्यान से देखिएगा। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये देखिए इसमें पैरेलल पर जरा ध्यान देना है, राइट, ट्राइंगल को ध्यान में रखना है, वेरी गुड। ये कॉमा आ गया आपका, अब आपको गिवन पे चलना है। व्हाट इज गिवन इन दिस केस? ए ट्राइंगल इज गिवन। इफ ए ट्राइंगल इज गिवन तो वी हैव टू नोटिफाई द ट्राइंगल, नाम भी देना पड़ेगा, कौन सा ट्राइंगल लिया हमने, ABC। ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, अब ये देखिए पैरेलल वर्ड आ गया, टू कट BC कट्स AB एंड AC एट D एंड E। ये देखिए इस ट्राइंगल में साइड AB को इस लाइन पैरेलल ने एक पॉइंट D पर कट किया और AC पर इन्होंने साइड्स पर E पॉइंट्स पर कट किया। इसके बाद आते हैं आफ्टर कॉमा, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अदर टू साइड्स कौन कौन सी हो गई? AB एंड AC हो गई। तो ये पॉइंट D और E ने सेम रेशियो कैसे बनाया? AD अपॉन DB सी दिस वन इक्वल टू AE अपॉन EC। ये देखिए हमारा गिवन हो गया थ्योरम का, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, देन टू प्रूव भी हो गया। सो नाउ टू प्रूव द थ्योरम आई थिंक मोस्टली वी रिक्वायर्ड सम कंस्ट्रक्शन। विदाउट कंस्ट्रक्शन रेयर एंड रेयर शायद कोई थ्योरम प्रूव हुई हो, मुझे नहीं लगता ज्योमेट्री में ऐसा भी मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस में आया है। अगर कोई विदाउट कंस्ट्रक्शन ही प्रूव्ड हो गया है, इसका मतलब या तो वो एग्जियम है या फिर पोस्टुलेट है, इट सेल्फ प्रूव्ड है। ओके, सो नाउ इफ वी स्टार्ट द प्रूफ
प्रूफ स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी रिकॉल द फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल सबको पता है, हाफ बेस इनटू हाइट होता है। बट इन पर्टिकुलर केस ऑफ बीपीटी हमें इन दो ट्राइंगल पे ध्यान देना है जो लेफ्ट साइड की साइड्स पर बने हैं, ए बी पर बने हैं। देखिए एक बना है ए डी ई, ये देखिए, और दूसरा ट्राइंगल हमारा इसी साइड ए बी पर बना है डी बी ई, ये देखिए ये वाला, राइट। सो हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, हाफ बेस इनटू हाइट, बेस हमारा हो जाएगा ए डी और हाइट हमारी हो जाएगी ई एन, ये देखिए ये ई एन, करेक्ट। बट यू रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो एल्टीट्यूड है या जो हाइट है, ये दिस इज नॉट ओनली रिफर टू द ट्राइंगल ए डी ई। अगर हम ट्राइंगल डी बी ई का बेस डी बी ले लेंगे तो ये एल्टीट्यूड हमारा यहाँ भी काम आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई या डी बी ए मानने के लिए, डी बी ई मानने के लिए, राइट। लेट्स सी, आगे देखते हैं, ये देखिए। चलिए मैं इधर अपने आप को ले आता हूँ। सो ट्राइंगल ए डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, ये देखिए बेस हमारा हो गया ए डी और हाइट हमारी हो गई ई एन। अब सेकेंड बेस हमारा होना चाहिए डी बी वाला, इसके लिए मैंने आपसे पहले भी बोला था हाइट यही होगी ई एन, ये देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी इज इक्वल टू हाफ डी बी इंटू ई एन। सो फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस टू ट्राइंगल्स, वी हैव टू मेक द रेशियो ऑफ एरियाज। देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, ध्यान से देखते जाइए, इन दोनों का रेशियो हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। राइट हैंड साइड में जो कुछ भी है दैट इज हियर, तो बताइए ये हाफ से हाफ कैंसिल हुआ और ई एन से आपका ई एन कैंसिल हुआ, तो रिमेनिंग पार्ट क्या बचा, ए डी अपॉन डी बी। आप ध्यान से याद करिए, टू प्रूफ का लेफ्ट हैंड साइड आ गया केवल इन दोनों ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो बनाने से। आई एम क्लियर। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, राइट हैंड साइड वाली साइड्स पे जाइए एसी पर, उस पर एक छोटा सा ये ट्राइंगल, फिर से वही कॉमन ट्राइंगल ए डी ई लेना पड़ेगा हमको, बट इस पर जो हमने कंस्ट्रक्शन किया था वो कंस्ट्रक्शन था डी एम, राइट। कंस्ट्रक्शन मैंने बिगनिंग में आपको खाली लिखा हुआ छोड़ दिया था, नाउ लेट्स अगेन यू सी, इसका एरिया कैसे आएगा, हाफ बेस ए ई इंटू डी एम, ये देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई हो गया हाफ ए ई इंटू डी एम। सिमिलरली जैसे हमने डी बी ई निकाला था, अब हम कौन से ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, अब निकालेंगे हम डी ई सी, ये देखिए ये देखिए, इसका बेस क्या होगा ई सी, बट सेम हाइट आपकी वही होगी डी एम, ये देखिए ये देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। जैसे हमने ट्राइंगल ए डी ई का और बी डी ई का रेशियो बनाया था, वैसे ही हम रेशियो बनाएंगे किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, ये बनाया, देखिए रेशियो बनाना, वेरी गुड। सेम राइट हैंड साइड में आ जाएगा हाफ ए ई इंटू डी एम अपॉन हाफ ई सी इंटू डी एम, हाफ और हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, डी एम और डी एम कैंसिल हो जाएगा, राइट हैंड साइड में आ गया ए ई अपॉन ई सी, आया ना। सो माय डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल द टू प्रूफ, टू प्रूफ में चाहिए था हमें ए ई ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये तभी इक्वल हो सकता है जब हमारे ये दोनों एरिया के रेशियो इक्वल हों, लेकिन एरिया के दोनों रेशियो इक्वल में ए डी ई एरिया और ट्राइंगल ए डी ई का एरिया तो कॉमन है, चलो ठीक है ये इक्वल है, बट बी डी ई का एरिया डी ई सी के इक्वल करना जरूरी है। अब इधर देखिए ध्यान से फिगर में, अगर मैं आपसे कहूं डी ई मेरा बेस है और हमें गिवन में दिया था डी ई किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, तो बताइए ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी, या इसको डी ई सी कहें, तो ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल इन दोनों का ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा कि नहीं होगा। सी द नोट, नोट दैट ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल डी ई सी आर ऑन द सेम बेस डी ई एंड बिटवीन द सेम पैरेलल बी सी एंड डी ई, देयर फोर नाइन्थ क्लास में पढ़ा है आपने, इफ टू ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल दे आर इक्वल इन एरिया, तो दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट केस आपका बना था ये,
सेकंड केस आपका बना था ये, और थर्ड केस हो गया ये। वैसे तो देखा जाए तो यहाँ पर ये दोनों पार्ट इक्वल ही प्रूव करने थे, लेकिन कब इक्वल लिखेंगे, जब हमारे लेफ्ट हैंड साइड का ये पार्ट दोनों इक्वल हो जाएं। BDE और DEC का एरिया सेम ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल से इक्वल हुआ नहीं, ये हम डायरेक्ट लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3, तीनों से कंपेयर करके हम लिखेंगे यहाँ डायरेक्ट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। दिस इज द प्रूव्ड ऑफ थेल्स थ्योरम। बहुत सिंपल है, बहुत कॉमन है, आप एक दो प्रैक्टिस करिएगा, इमीडिएट हर उस बच्चे को बनने लगेगा जिसने ज्योमेट्री को लॉजिकली कभी थोड़ा बहुत एक दो बार देखा होगा। ओके, सो नाउ टेक द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इज कन्वर्स ऑफ BPT। ये देखिए, दिस इज द थ्योरम 6.2। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, किसी भी थ्योरम का कन्वर्स तभी रेडी होता है जब फर्स्ट थ्योरम का गिविन क्या बन जाए, सेकंड थ्योरम का टू प्रूफ बन जाए, और फर्स्ट का टू प्रूफ कन्वर्स में गिविन हो जाए। देखते हैं, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, कॉमा आ गया, जहां कॉमा खत्म वहां गिविन खत्म, अंडरस्टैंड, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अगर आपसे कोई कहे कि इस पूरे डिस्क्रिप्शन में गिविन कहाँ है, तो आपको यही बोलना है इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। ये देखिए, सबसे पहले एक ट्राइंगल ABC एंड साइड्स का जो सेम रेशियो ये वाला है, ये लिखा है इन्होंने, ये हमारे गिविन का पार्ट हो गया। क्या हुआ, ये गिविन। अब हम चलते हैं टू प्रूफ, वो कॉमा के बाद होता है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो हमें क्या प्रूफ करना है, ये DE इस BC के पैरेलल है, अंडरस्टैंड करेक्ट, तो हमें प्रूफ करना है कि DE इज पैरेलल टू द BC, राइट तो यहां पे लिखेंगे टू प्रूफ। अब आपको गिविन मिल गया, टू प्रूफ मिल गया, तो थ्योरम का अगला पार्ट क्या होता है, अगला पार्ट होता है कंस्ट्रक्शन, DE इज पैरेलल टू द BC, राइट। ये NCERT ने एक्चुअली में डिस्क्रिप्शन टाइप का दे दिया है, और डायरेक्ट बच्चों को, तो कई बच्चों को समझ में भी नहीं आता, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ये गिविन वाला पार्ट हो गया, ये आपका टू प्रूफ हो गया, तो कंस्ट्रक्शन देखिए, वी हैव टू ड्रॉ ए लाइन, ये है कंस्ट्रक्शन, DE पैरेलल टू BC। क्या कंस्ट्रक्ट किया आपने, DE पैरेलल टू द BC, राइट। जैसे ही आपका कंस्ट्रक्शन ये कंप्लीट होगा, और मैंने पहले बोला था कि BPT तभी अप्लाई होती है जब कोई साइड किसी ट्राइंगल में किसी थर्ड साइड के पैरेलल हो, तो DE पैरेलल टू द BC हो गया, सो वी हैव टू राइट के अप्लाई द थेल्स थ्योरम और BPT। जैसे ही थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, इसमें तो क्या आएगा, यहाँ पर AD अपॉन DB एम राइट इज इक्वल टू AE अपॉन EC C नंबर वन। जैसे ही NCERT लिखती है Y, तो स्टूडेंट्स का आंसर इमीडिएट आना चाहिए, यहाँ पे लिखेंगे बाय BPT, क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय BPT या बाय थेल्स थ्योरम, करेक्ट। सेकंड केस पर आ जाइए, सेकंड केस में वो कहता है कि अरे हमने AD अपॉन DB इज इक्वल टू, तो गिविन में भी कुछ दिया हुआ था, ये देखो मैं रेड कर रहा हूँ, AD अपॉन DB इज इक्वल टू क्या दिया हुआ था, AE अपॉन EC, ये इसने नहीं दिया, NCERT ने, मैं लिख के दिखाता हूँ यहाँ, AD अपॉन DB इज इक्वल टू, ये गिविन में दिया हुआ है, AE अपॉन EC, ओके ये नंबर टू हो गया आपका, और लिखेंगे यहाँ गिविन से, तो बताओ ये AD अपॉन DB और ये AD अपॉन DB इन दोनों इक्वेशन में इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, कॉमन हो गया, तो ये पार्ट AE अपॉन EC, ये देखिए, दैट विल बी इक्वल टू द AE अपॉन EC, ये देखिए हो गया कि नहीं हो गया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, AE अपॉन EC इज इक्वल टू AE अपॉन EC में अगर हम बोथ साइड क्या कर दें, वन, यहाँ पर Y लिखा हुआ है ना, Y के लिए ये लॉजिक लगाओ,
इसको वन डाल दो, इसको टू डाल दो, लिख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, करेक्ट। और बोथ साइड जैसे ही वन ऐड करेंगे तो बताओ एलसीएम लेने पर ई सी प्लस ए ई हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देखो, ये हो गया ई सी और ये हो गया ए ई, बताओ प्लस वन ऐड करने पर ये ए सी बन गया कि नहीं बन गया, और अपॉन में क्या आएगा ई सी। तो यहाँ पे देखिए ये लिखेंगे ए सी अपॉन ई सी इज इक्वल टू, राइट साइड देखिए अब उसका वाई के पास लिखा है ए ई डैश प्लस ई डैश सी, यहाँ पे देखिए ए ई डैश प्लस ई, ये भी बन गया ए सी, वेरी गुड। ये अगर ए सी हो गया और अपॉन में क्या दिया हुआ है ई डैश सी। अब ध्यान से देखिएगा आप, जैसे ही आप देखेंगे ए सी और ए सी क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो ई सी इज इक्वल टू ई डैश सी आ जाएगा। इज इट पॉसिबल, ये देखिए ध्यान से ई डैश सी इज इक्वल टू ई सी, ये कब पॉसिबल होगा, एक कंडीशन में पॉसिबल होगा, ओनली वन कंडीशन, और वो कंडीशन क्या है कि जब ई डैश ई पर पॉइंट साइड्स हो जाए, ये पॉइंट दोनों एक जगह पर आ जाए। मेरी बात समझ गए कि नहीं। सो व्हेन यू ऐड वन बोथ साइड, ये लिखा हुआ है एडिंग वन टू बोथ साइड्स ऑफ अबव यू कैन सी ई एंड ई डैश मस्ट कोइंसाइड। व्हाई, बिकॉज आपका क्या आ गया था ई सी इज इक्वल टू ई डैश सी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ई डैश जो कि डी ई डैश पैरेलल ड्रॉ किया था कंस्ट्रक्शन में बी सी के, और ई डैश कहाँ पर आ गया ई पर आ गया है, तो आप फाइनली लिखेंगे देयर फॉर डी ई, दिस इज कॉल्ड द मैथड ऑफ कंट्राडिक्शन, डी ई इज पैरेलल टू द बी सी। क्यों? क्योंकि ई डैश ई को कोइंसाइड कर गया है। ये समझ गए ना। सो दो बातें माइंड में रखनी है आपको, किसी भी ट्राइंगल में अगर पैरेलल साइड दी है तो इन दोनों साइड्स पर क्या लगाएंगे, बी पी टी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। और अब उल्टा सोचिए, अगर किसी ट्राइंगल की कोई दो साइड्स की साइड्स का रेशियो दे रखा है तो आपको जो थर्ड साइड है उसे इसके पैरेलल प्रूव करना है। समझ में आया, पैरेलल प्रूव करना है। तो उसमें गिवन में क्या दिया हुआ था, पैरेलल साइड्स दी थी तो साइड्स को सेम रेशियो में लाए थे। इसमें क्या दिया है, साइड सेम रेशियो में है और इसे पैरेलल प्रूव किया है। तो ये दोनों थ्योरम दो जगह अप्लाई करने के लिए हैं आपके लिए, राइट, गुड। सो ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने एक तरह से दोबारा रिपीट किए हैं, क्योंकि मैं ज़रूरी समझता हूँ कि बच्चे की टेंथ क्लास में ज्योमेट्री में अगर एंट्री हो रही है तो फुल कॉन्सेप्ट्स के साथ होनी चाहिए, है ना। और मेन कॉन्सेप्ट ट्रायंगल चैप्टर का बीपीटी या थ्योरम से ही स्टार्ट होता है, और यहीं से आपको अपने अंदर इंटरेस्ट भी लाना है और इनके बेस पर प्रॉब्लम भी बनाना है, जहाँ पर आप लिख सकें बाई बीपीटी या बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। सो माई डियर स्टूडेंट्स, यू सी वेयर वी विल अप्लाई बीपीटी, सी इन दीज टू क्वेश्चंस वी कैन अप्लाई। नंबर वन, आई थिंक इट इज योर सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ योर एनसीईआरटी, चैप्टर नेम ट्राइंगल, फिगर 6.18, एक्सरसाइज 6.2 है। इन दिस फिगर एल एम इज पैरेलल टू द सी बी, ये देखिए एल एम, ये देखिए एल एम इज पैरेलल टू द सी बी। सेकेंड केस में क्या है गिवन में, एल एन पैरेलल टू द सी डी, ये देखिए एल एन पैरेलल टू द सी डी, राइट। हमें क्या प्रूव करके लाना है, वी हैव टू प्रूव दैट ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। फिगर में देखो ए एम अपॉन ए बी, अब बहुत से बच्चे कहते हैं सर अगर यहाँ पर ए एम अपॉन एम बी लाना होता तो हम इमीडिएट ले आते, वो अभी भी आ जाएगा ए एम अपॉन ए बी, डोंट वरी। तो चलते हैं, फर्स्ट वी विल राइट हियर इन ट्राइंगल ए बी सी, करेक्ट। फिर क्या लिखेंगे, एल एम इज पैरेलल टू द सी बी, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे गिवन। अब अप्लाई करेंगे थेल्स थ्योरम या बीपीटी, कैसे अप्लाई करेंगे ध्यान से देखिए, जैसा इस साइड पर चलेंगे वैसा अदर साइड पर चलेंगे। फर्स्ट क्या लिखेंगे, यही बिल्कुल सेम ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी। आप कहोगे सर आपने ए एम अपॉन एम बी क्यों नहीं लिखा, मैंने अपने आप दिमाग में लिखा, फिर मैंने ए एम अपॉन एम बी में बोथ साइड ए एल अपॉन एल सी में बोथ साइड में वन ऐड कर दिया, एल सी एम लिया तो मेरा डायरेक्ट रिजल्ट आ गया क्या, ए एम अपॉन
ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी, राइट करके देखना। सेकंड केस में मैं लूंगा ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी में ये अप्लाई करेंगे एल एन पैरेलल टू द सी डी गिवन, गिवन है ना, तो इसमें भी फिर वही लिखेंगे ए एन अपॉन ए डी, तो यहाँ पर क्या आएगा इज इक्वल टू में ए एल अपॉन ए सी, राइट नाउ क्लियर है ना। जैसे ही आप लिखेंगे तो आप देखेंगे कि ए एल अपॉन ए सी दोनों केस में कॉमन है, तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा हैंस प्रूव्ड ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। लेकिन जैसे ही आप ये पैरेलल के साथ में साइड्स को सेम रेशियो में करें तो हर जगह ये जरूर लिखें बाई बी पी टी, करेक्ट। तो मैंने जो अभी लिखा था यहाँ कि इस फिगर में कौन सी थ्योरम में अप्लाई करना है हमको, बीपीटी अप्लाई करना है, तो सबसे पहले क्या गिवन में ढूंढना है कि ये साइड इसके क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, तो ये अपॉन ये हो जाएगा, दिस अपॉन दिस हो जाएगा, ये हो गया बीपीटी। अब हम चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये कब अप्लाई होती है थ्योरम, ये तब होती है जब हमें यहाँ पर ये साइड और इसका रेशियो दिया हो, ये और इसका रेशियो दिया हो, तो हमें अक्सर दोनों गिवन रेशियो से ये प्रूव करना होता है कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस साइड। ये मैंने इसके लिए ये क्वेश्चन सर्च किया है, अंडरस्टैंड। सी डी ई पैरेलल टू द ओ क्यू, ढूंढो फिगर में, ये है डी ई, ये वाला ये पैरेलल टू द ओ क्यू, करेक्ट। सेकंड देखो डी एफ, ये है डी एफ पैरेलल टू द ओ आर, करेक्ट। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ई एफ पैरेलल टू द क्यू आर, वेयर इज ई एफ, सी दिस इज द ई एफ, ये ई एफ इस क्यू आर के पैरेलल होनी चाहिए। ये तो तभी हो सकता है जब पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर आ जाए, तब हम लिखेंगे ब्रैकेट में बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी थ्योरम, तो हम लिख सकते हैं ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। हाउ इट इज, लिसन मी केयरफुली, डी ई आपका पैरेलल ओ क्यू दिया है तो बी पी टी लगाएंगे इन ट्राइंगल पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में लगाया तो क्या लिखेंगे पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, नंबर वन बाई बी पी टी। सेकेंड केस में लिखेंगे डी एफ पैरेलल टू द ओ आर गिवेन है, तो क्या लिखेंगे बी पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। इन दोनों केस में बाई बी पी टी जो अप्लाई किया है, इन दोनों ट्राइंगल पी ओ क्यू और पी ओ आर में आपको कॉमन क्या मिला, पी डी अपॉन डी ओ। जैसे ही दोनों फर्स्ट और सेकेंड से आप लिखेंगे तो आपको बस ये मिलेगा पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन ई आर, तो आप लिखेंगे देयर फोर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी, बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी। प्लीज़ ये क्वेश्चन आप ज़रूर अपने माइंड में रखिएगा, अंडरस्टैंड, टेंथ क्लास के लिए स्पेशली बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये कॉन्सेप्ट इसलिए माइंड में रखा क्योंकि मुझे ये पता चला है कि बच्चे इस लॉकडाउन पीरियड में आगे तो ढेर सारा पढ़ते चले जा रहे हैं, पीछे का भूलते भी चले जा रहे हैं। तो मैंने एक नई स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है जो मैंने कल भी डिस्कस की थी पिछले वीडियो में, क्योंकि अब मैं जो भी चैप्टर या जो भी कॉन्सेप्ट नया लूँगा तो उस चैप्टर से केवल एक या दो कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा, इसके बाद पीछे से हर एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन आपके लिए रिवीजन के लिए रखूँगा। सो मैं आज आपको चैप्टर वन से एक प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से एक रियल नंबर का क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करूँगा, बट मुझे ये ज़्यादा ज़रूरी लगता है कि मैं आपको पहले ये बताऊँ व्हाट इज ए प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, अंडरस्टैंड। कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड इंग्लिश में सो मैनी टाइम्स हम लोग कई बार यूज़ किए हैं, कई सिचुएशन में कई जगह यूज़ किए हैं। मैथमेटिक्स में कैसे होता है, सपोज वी वांट टू प्रूव दैट ए मैथ्स स्टेटमेंट इज ट्रू, सपोज कि कोई भी मैथ्स स्टेटमेंट एक ट्रू है, सिंपली पुट वी एज्यूम दैट द मैथ्स स्टेटमेंट इज फॉल्स, पहले हम ये मान के चलते हैं कि ये गलत है, एंड देन शो दैट दिस विल लीड टू ए कॉन्ट्राडिक्शन। If it leads to a contradiction, then the statement must be true. यानी अगर हम ये सोच के चलें कि मैथमेटिक्स में कोई स्टेटमेंट पक्का ट्रू है, लेकिन अब हम ये मान के चलते हैं कि वो फॉल्स है, तो उसमें फॉल्स फॉल्स वाली तमाम चीज़ें सर्च करते रहते हैं,
अब जब कुछ उसमें फॉल्स मिल ही नहीं रहा है तो थक हार के क्या बोलेंगे, बाय द कॉन्ट्राडिक्शन दिस इज ट्रू. अंडरस्टैंड. सी फ्रॉम रियल नंबर आई हैव टेकन वेरी कॉमन क्वेश्चन. दिस इज द प्रूफ दैट रूट फाइव इरेशनल नंबर. रूट फाइव इज इरेशनल नंबर. क्वेश्चन नहीं लिखा मैंने, डायरेक्ट अंडरस्टूड है. लेट अस एज्यूम दैट रूट फाइव बी ए रैशनल. जबकि प्रूफ क्या करना है, इरेशनल. मैं लिख देता हूँ एक बार, इरेशनल. अब जैसा भी आएगा माउस से, कुछ दिन के बाद आईपैड आ जाएगा तो मैं साफ साफ लिखना सीखू. इरेशनल. ओके, तो रूट फाइव इज इरेशनल. और हमें इसे इरेशनल प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या लेट करना पड़ेगा, इसको रैशनल. देन वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. फिर ये भी बताना पड़ेगा पी वाई क्यू फॉर्म के इक्वल में लिखेंगे कि पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स. अब आपको टेंथ क्लास में आने के बाद ये 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 पता होना चाहिए, व्हाट आर द को प्राइम. प्राइम तो आप जानते हैं, जो किसी की टेबल में नहीं आते. एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, एक्सेप्ट वन कर देना, वहाँ एक्सेप्ट वन होता है. ठीक है ना, जिनमें कोई भी नंबर कॉमन ना हो, कॉमन फैक्टर ना हो. सो लेट्स वी स्टार्ट. रूट फाइव इज इक्वल टू पी वाई क्यू, इसे हमने रैशनल नंबर ले लिया. स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया, स्क्वेयर करेंगे तो रूट फाइव का स्क्वेयर क्या हो जाएगा, फाइव. इनका स्क्वेयर होगा पी स्क्वेयर अपॉन क्यू स्क्वेयर. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का तो क्रॉस मल्टीपल में क्या हो जाएगा, फाइव क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर. लिसन, ए वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम इज देयर, फर्स्ट थ्योरम है रियल नंबर की. वो ये कहते हैं कि पी इज डिविजिबल बाई फाइव. पहले ये ध्यान दो, 5 डिवाइड पी स्क्वेयर, करेक्ट. तो क्या कहना चाहिए, 5 डिवाइड पी. इसलिए उसने क्या बोल दिया, पी इज डिविजिबल बाई 5. जैसे ही पी की स्टोरी ये आ जाए कि पी इज ए 5 इज ए फैक्टर ऑफ पी, तो आप पी की वैल्यू लेट कर लो यहीं, कोई दूसरा वेरिएबल लेके. पी क्यू के बाद आर ले सकते हो, मैंने यहाँ के ले लिया है. पी इज इक्वल टू 5 के, दैट इज द के इज पॉजिटिव इंटीजर. सो अगेन इसका भी हमें स्क्वेयर करना पड़ेगा, पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 के स्क्वेयर. इसको आप लिख दीजिएगा नंबर वन, यहाँ डाल के इक्वेशन नंबर वन. सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, 5 की क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर. ये देखो 5 की स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर. सब्स्टिट्यूट करने पर आपको क्या मिलेगा, 5 की स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 के स्क्वेयर. इस 5 से इस 25 को कैंसिल आउट करेंगे तो क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 के स्क्वेयर. तो जिस कंडीशन में आपने यहाँ फर्स्ट केस में लिखा था कि 5 डिवाइड्स पी स्क्वेयर, 5 डिवाइड्स पी, तो अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, 5 डिवाइड क्यू स्क्वेयर, 5 डिवाइड्स क्यू. इट मीन्स क्यू इज डिविजिबल बाई 5, सो 5 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ क्यू. इसका मतलब क्या हुआ कि 5 पी का भी एक फैक्टर है, 5 क्यू का भी एक फैक्टर है. तो 5 तो कॉमन फैक्टर हो गया भाई, किसका किसका कॉमन फैक्टर हुआ, पी एंड क्यू का हो गया. यही कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि आपने पी और क्यू को क्या लेट किया था, को प्राइम. क्या लेट किया था आपने, को प्राइम लेट किया था, को प्राइम. और यहाँ को प्राइम कॉमन नहीं होना चाहिए था और यहाँ कॉमन निकाला है, यही कॉन्ट्राडिक्शन है. तो हमें स्टेटमेंट ये लिखना पड़ता है, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स टू अवर एजम्पशन पी एंड क्यू आर को प्राइम, देयरफोर रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर. बेटा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 3. अंडरस्टैंड. वो अलग स्टेज, अब आपको रूट टू बनने लगेगा, रूट टू इज इरेशनल, रूट फाइव इज इरेशनल, रूट थ्री इज इरेशनल, रूट सेवन इज, नो प्रॉब्लम. लेकिन वो जैसे ही कह देगा 3√5 इज इरेशनल, उसके लिए एनसीईआरटी कहती है एक बहुत सिंपल और कॉमन मेथड है कि रैशनल के इक्वल इरेशनल को शो करके कॉन्ट्राडिक्ट्री कर दो. मैं अगले वाले स्टेज पे ले लूँगा, अगले वाले वीडियो में ले लूँगा. और फिर इसी के आगे अगर थोड़ा ऐड कर दिया जाए, 7 यहाँ प्लस लगा दे या माइनस लगा के, और फिर आपसे पूछे 7√3 इज इरेशनल, ये सेम कॉमन बेस पे चले जाएंगे, 1/√3 इज इरेशनल. अंडरस्टैंड. अभी तक तो खैर CBSE ने इस टाइप के पूछे हैं और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं आपसे. अब मैं आपको ये भी अगले वीडियो में एक आदमी सिखा दूंगा, रख दूंगा. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 से मैंने क्वेश्चन लिया है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स. वेरी इंपॉर्टेंट.
दिस इज योर एक्सरसाइज, आई थिंक सेकंड एक्सरसाइज से है। टी स्क्वायर माइनस 15, टी तो परफेक्ट स्क्वायर है, 15 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको बनाया हमने, 15 को क्या लिखा, रूट 15, और ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर। ऐसे ही आपके एग्जांपल में एक क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो बताइए एक्स स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, तो 3 का परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, जब रूट 3 लिखेंगे, सेम आइडेंटिटी अप्लाई करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, टी माइनस रूट 15, टी प्लस रूट 15, करेक्ट, इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो जीरोज क्या क्या आ जाएंगे, रूट 15 और माइनस रूट 15 आ गए ना, ये देखिए ये दोनों जीरोज आ गए। जीरोज फाइंड करने में सबसे ज़्यादा फैक्टोराइजेशन का इंपॉर्टेंस है, चाहे मिडिल टर्म को स्प्लिट अप करके करिए, चाहे आइडेंटिटी को अप्लाई करके करिए। तो ये हो गया क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ये लिखा है फाइंड द जीरोज, तो आपने फाइंड कर दिए, लेकिन जैसे ही वो कहता है वेरीफाई द रिलेशनशिप, ये देखिए वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशियंट्स, अब बताओ कोफिशियंट्स पे आते हैं, जो दोनों जीरोज आए हैं, एक को अल्फा ले लिया एक को बीटा ले लिया, तो फर्स्ट वेरिफिकेशन में क्या फाइंड करते हैं, सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा। अच्छा अल्फा आया माइनस रूट 15, बीटा आया प्लस रूट 15, दोनों कैंसिल हो गए, क्या आ गए, जीरो। लेकिन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए था यहाँ, माइनस बी अपॉन ए, क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर या ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो में ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, बट बी नहीं है इसमें, देखो बी टी या बी एक्स जैसा कोई फॉर्मेट नहीं है, तो यहाँ बी की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, माइनस जीरो अपॉन वन, नेगेटिव जीरो, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, तो बताओ सम ऑफ जीरो भी आया जीरो और माइनस बी अपॉन ए भी आया जीरोज, इसका मतलब कोफिशियंट ऑफ टी अपॉन कोफिशियंट ऑफ टी स्क्वायर ये कहो, या इसको माइनस बी अपॉन ए लिख दो डायरेक्ट, हो गया वेरीफाई जीरो इज इक्वल टू जीरो, अंडरस्टैंड। तो सम ऑफ जीरोज में भी वेरीफाई करना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में भी करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में करेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा माइनस रूट 15, बीटा प्लस रूट 15, दोनों का इंटू करेंगे तो आएगा माइनस 15, चलते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस सी अपॉन ई, करेक्ट, तो सी आपका कितना है, माइनस का 15, ये देखो यहाँ अपॉन ए कितना आया, 1, माइनस 15, माइनस 15, हैंस वेरीफाइड, करेक्ट। ऐसे ही आपको इसे वेरीफाई करना है, इस क्वेश्चन को यू कैन डू इट, बहुत सिंपल है, 4 3 12, फैक्टर निकालेंगे तो 4x और 3x दोनों आ जाएंगे, मिडिल टर्म को कॉमन लेते हुए स्प्लिट अप करेंगे, जीरोज में एक आएगा 4/3 और एक आ जाएगा -1, एक को बोलना अल्फा और एक को बोलना बीटा, दोनों को जब अल्फा बीटा हो जाए तो एक बार सम ऑफ जीरोज निकालना, माइनस बी अपॉन ए से वेरीफाई कर देना, अल्फा बीटा वेरीफाई कर देना, इमीडिएट आपको बनने लगेगा। आई मीन टू से कि अगर आप इतने दिन से पढ़ रहे हैं अप्रैल मई जून आते 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 और अगर भूल भी गए हों कि हाउ टू फाइंड आउट द जीरोज देन हाउ टू वेरीफाई, प्लीज़ मैंने ये रिवीजन कर दिया है और आप भी रिवीजन लिख के करिए उसको, समझ में आया, मैथ्स इज नॉट IMP, इम्पॉर्टेंट, मैथ्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैथ्स इज IJK, इसको जरूर करें IJK, अंडरस्टैंड। हाँ कुछ लोग इम्पॉर्टेंट के चक्कर में उतना ही पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 लिया मैंने, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट तो मैंने डिस्कस किए थे, क्वेश्चंस को मैंने थोड़ा कम लिया था, तो मैं यहाँ 2 मेथड आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, नंबर 1 एलिमिनेशन मेथड और नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये देखिए पहला, फर्स्ट इक्वेशन क्या लिया मैंने, जरा ध्यान से देखिए, x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1, ओके, जैसे ही आप LCM ले लोगे तो 3 2 6 आएगा और क्रॉस मल्टीपल करोगे तो 6 1 6 हो जाएगा, 3x प्लस 2 2 4y, इक्वेशन नंबर 1। ये देखिए सेकंड इक्वेशन मैंने दिया, x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3, जैसे ही आप इसको रिड्यूस करेंगे LCM लेने के बाद 3 x हो जाएगा 3x माइनस वाई जो अपॉन 3 है, क्रॉस मल्टीपल में जाएगा इधर तो हो जाएगा 9, इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट। सी द बोथ इक्वेशन, पहले ऑब्जर्व करते हैं दोनों को, यस दोनों में मुझे 3x और 3x बिल्कुल इक्वल टर्म मिल गई ना। अब मैंने ये देखा 3x दोनों पॉजिटिव हैं, तो ऐड करने पर x एलिमिनेट होने वाला नहीं है जब तक एक पॉजिटिव ना हो और एक नेगेटिव ना हो, तो मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट कर दिया और दोनों को जब एक साथ लिखा
तो ये मैंने लिखा है फर्स्ट और ये लिखा है सेकंड। तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ पे क्या लगाऊँगा, माइनस, यहाँ पे लगाऊँगा माइनस और यहाँ पे लगाऊँगा माइनस। अब आपको मैंने ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये प्लस क्यों हुआ, वही ये माइनस था ना पहले से, माइनस माइनस प्लस। अब आपका 3x और प्लस 3x और माइनस 3x एलिमिनेट हो गया, तो 4y और प्लस y, 4y प्लस y हाउ मेनी y, 5y। अब देखो माइनस का 9 भी हो गया, माइनस का 6 था तो माइनस 15 हो जाएगा। y इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 5, y की वैल्यू 3 आ गई। y इज इक्वल टू माइनस 3 आप फर्स्ट या सेकंड किसी एक में पुट कर सकते हो। आई थिंक उन्होंने फर्स्ट में पुट किया और वैल्यू पुट करते ही 3x इज इक्वल टू ये 6 आया और डिवाइड करते ही x की वैल्यू 2 आ गई। इसमें मैंने ये थोड़ा एक्स वाई की वैल्यू दूर लिख दी है। जब भी आप कभी प्रॉब्लम सॉल्व करो तो डायरेक्ट लिखिए एक साथ और एक जगह पर लिखिए एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू माइनस 3। ओके, सो दिस मेथड वाज एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन पे आइए, सेम क्वेश्चन तो नहीं लग रहा है। 3x प्लस 4y माइनस 6 दिया है, हाँ सेम ही है। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस 9 दिया हुआ है। अब हम इसमें से किसी एक की वैल्यू पुट करेंगे। सपोज मुझे सेकंड इक्वेशन ये वाला इजी लग रहा है क्योंकि माइनस वाई को अगर मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊं, प्लस 9 को लेफ्ट में ले जाऊं तो ऐसे बनेगा वाई इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 3x या 3x माइनस 9। इस अब इस वाई की इस वैल्यू को पुट करेंगे हम इस फर्स्ट में, कैसे करेंगे, 3x प्लस 4y था तो y नहीं लिखेंगे यहाँ, y की जगह क्या आ जाएगा, माइनस 9 प्लस 3x आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x प्लस 12x कितना हो जाएगा, 15। लेकिन इधर देखिए माइनस 6 और प्लस 36 क्या हो गया, 30। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 अपॉन 15। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ये x की वैल्यू 2 अब आप सेकंड में पुट कर दीजिए, पुट करते ही आपको y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3। जो ये इधर उधर वैल्यू पड़ी हैं लास्ट में लिखेंगे x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू माइनस 3, राइट, करेक्ट। अब आपने दो मेथड सीख लिए, पहला एलिमिनेशन मेथड और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब देखिए ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है, ओनली ऐसा लिखा है, x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3, ऐसा दिया है और लिखा होता है बोर्ड पेपर में खाली सॉल्व फॉर x, ओनली सॉल्व फॉर x। अब देखिए x के नीचे अपॉन 1 लगाने के बाद मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, LCM लिया, LCM लेने पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3 आया। फिर कौन सा मल्टीप्लाई, अपॉन 1 लगाएंगे इसके नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। हर इक्वेशन को हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 को फॉर्म में लाना है। ये देखिए जैसे ही ये ए की वैल्यू फाइंड करेंगे कंपैरिजन करके तो ए आएगा 1, बी आएगा माइनस 3 और सी आ जाएगा माइनस 1। डिस्क्रिमिनेंट डी निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला पहले निकलवाऊंगा, फैक्टराइजेशन इसका पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो जैसे ही हम बी स्क्वायर माइनस 4ac में बी और ए और सी की वैल्यू पुट करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिलेगा, 13। नाउ वी हैव टू राइट द क्वाड्रेटिक फार्मूला, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a और बीटा हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। वैल्यू रखेंगे b की माइनस 3, ये देखो दोनों में रख रहा हूँ, और रूट डी की जगह आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट 13 आ गया ना, माइनस इंटू माइनस दोनों की वजह से 3 और 3 प्लस हो जाएगा, प्लस रूट 13 अपॉन 2 और 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2, दीज टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में आ जाए तो 10 सेकेंड ये सोचना है इट मे बी फैक्टोराइज, इफ नॉट तो पता लगाने का तरीका डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट में ए बी सी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac में रखिएगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0 आए समझ लेना 2 डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, मेरी बात समझ गए ना। तो जैसे ही आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली तो क्या आ गई, 13 आ गई, और 13 आई दैट इज़ ग्रेटर देन 0, इमीडिएट आपको पता चल गया दोनों रूट्स आएंगे, रियल रूट्स आएंगे, अंडरस्टैंड। सेकंड क्वेश्चन में आपको खुद समझने के लिए आपके लिए आप
अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा पॉज करना, रोक करके ये इक्वेशन पहले लिख लेना रफ में, फिर इसे सॉल्व करना। आई एम 100% श्योर टू रूट्स मिलेंगे आपको, एक मिलेगा है टू और एक मिलेगा वन। ज़रा ध्यान से सॉल्व करिएगा, फिर आप वीडियो ऑन करिएगा, फिर देखिएगा आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहले मैं एक चीज़ सिखाता हूँ, फिर उसी पर एक चीज़ पूछता हूँ, फिर आपको देखने के लिए छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉम द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। सी, सबसे पहले देखिए 11 टर्म, तो क्या लिखना चाहिए, ए 11 इज इक्वल टू 38। लेकिन सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि जनरल टर्म जो होती है ए एन इज इक्वल टू, वो क्या होती है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। वेरी गुड। अब उसने कहा 11th टर्म, तो 11th में ए 11th हो जाएगा 38। फिर उसने बोला 16th टर्म, तो देखिए ए 16 73 हो गया। अब ए 11th को इस जनरल टर्म के बेस पर डिफाइन कर दो, ए 11th क्या बन जाएगा, ए प्लस 11 माइनस वन इंटू डी, एन था तो एन माइनस वन, 11 है तो 11 माइनस वन। 16 को देखिए ए 16, ए प्लस 16 माइनस वन, तो जब 11 माइनस वन इंटू डी किया तो कितना आ गया, ए प्लस 10D इज इक्वल टू 38, ए प्लस 15D इज इक्वल टू 73। अंडरस्टैंड। अभी अभी आप लोगों ने एक मेथड देखा एलिमिनेशन, क्योंकि ये दोनों टर्म इक्वल हैं तो सब्ट्रैक्ट कर दो फर्स्ट को फ्रॉम सेकंड से या सेकंड को फ्रॉम फर्स्ट से, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैलकुलेशन। और जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 15D माइनस 10D करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5D, 73 माइनस 38 करेंगे तो आ जाएगा 35, डी इज इक्वल टू 35 अपॉन 5, तो आई थिंक इट विल बी 5 7 जा 35। अब आपको क्या करना है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में को लेना है और यहाँ पर डी की वैल्यू 7 पुट कर देना है, तो ए प्लस 10 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 38। सो फाइनली ए इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 38 माइनस 70 माइनस 32। ए आ गया माइनस 32, डी आ गया आपके पास 7, और आपको क्या फाइंड करना था, 31st टर्म। फिर से जनरल टर्म अप्लाई करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस माइनस वन इंटू डी, तो ये हो जाएगा ए 31 इज इक्वल टू ए प्लस 31 माइनस वन इंटू डी, ए प्लस 31 में से 1 गया तो 30D हो जाएगा, ए की वैल्यू माइनस 32, 30 इंटू डी की वैल्यू 7, सॉल्व करिए माइनस 32 आ जाएगा इधर, ये देखिए इधर माइनस यहाँ रह गया, ये देखिए, और प्लस का 210, भैया आपका जो 31st टर्म है वो आया 178। उल्टा रिवर्स करके आप अपने तरफ से क्वेश्चन बना लो ऐसे, इफ 31st टर्म ऑफ एन AP इज 178 एंड 16 टर्म इज 73, फाइंड इट्स 11th टर्म। तो 11th टर्म आंसर में क्या आनी चाहिए आपकी, 38 आनी चाहिए। बन गया क्वेश्चन, वेरीफाई भी हो गया। नाउ प्लीज यू हैव टू डिस्कस दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि CBSE ने बहुत बार ये बोर्ड में पूछा हुआ है, इसलिए मैंने जानबूझ के आपके लिए रखा है, क्योंकि इसमें 2-2 टर्म का सम कह रहा है, 4 टर्म का और 8 टर्म का सम 24। ये देखो A4 प्लस A8 24, एक केस, फर्स्ट केस, 6 टर्म एंड 10th टर्म का सम 44। ये देखिए इधर होगा कहीं, वेयर इज गिवन, इट इज A6 और A10, A6 और A10, फर्स्ट केस ये हो जाएगा, राइट, यस, हाँ वो डायरेक्ट ले लिया उन्होंने, 44 ये हो गया, 44 ये हो गया, 44 ये हो गया, हाँ इससे आ गया आपका, ये है ये 44 माइनस 24, ये आ गया, ये आ गया, इससे आया। तो ये दोनों केस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इन दोनों से टू टेक द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल यू हैव टू सॉल्व। तो उन्होंने ये कहा कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP, 3 टर्म्स ऑफ एन AP तभी आएगा जब आपके पास A आ जाएगा और क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। समझ गए कि नहीं, क्योंकि AP क्या होती है, A प्लस D देन A प्लस 2D, वेरी गुड। मैंने इसलिए ये क्वेश्चन आपको दिया है ताकि बोर्ड के वाले क्वेश्चन सॉल्व करने का नेचर अगर आप में आ गया का। सो दीज ऑल 5 क्वेश्चंस आर वेरी 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 IJK। मैं IJK क्यों कह रहा हूँ, डू यू अंडरस्टैंड, इसको जरूर करें।
क्योंकि इस लेवल की और इस नेचर की प्रॉब्लम सॉल्व करने से जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा वो आपको बोर्ड एग्जाम में किसी भी तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको कैपेबल बना देगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, अच्छी तरह पढ़ाई करिए और संभल के रहिए, सजग रहिए, सतर्क रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू वेरी मच।